जय हिंद दोस्तों। दोस्तों अफरा तफरी के माहौल में बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री ने शपथ ली और उन्होंने शपथ लेते ही कहा, यदि हिंदुओं पर अत्याचार नहीं रुके तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। और दूसरी तरफ उनकी बाजू में वो लोग खड़े थे जिन्होंने बांग्लादेश को जलाया और हिंदुओं पर अत्याचार किया। तो इसकी पोल खोली है भारत की शेरनी नाज़िया इलाही खान ने कि इस बयान में कितनी सच्चाई है, क्या वे हकीकत है या भारत के या यूनाइटेड स्टेट के दबाव में आकर यह बयान दिया है। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो कैसे नाज़िया इलाही खान ने। तो बांग्लादेश से ये बहुत बड़ी खबर, तो हिंसा के खिलाफ अब हिंदू एकजुट हो गए हैं और एक बड़ा संदेश देते नजर आ रहे हैं। सड़कों पर आप ये नज़ारा देखिए। मोदी ने डायरेक्ट बांग्लादेश के निगरान वजीर आजम मोहम्मद यूनस को वार्न कर दिया है कि वो बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं की सेफ्टी को इंश्योर करे। मोहम्मद यूनस के ऊपर भारत का ये जो प्रेशर है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करने वाला है, क्योंकि भारत की जो पॉलिसी है हमेशा बांग्लादेश के फेवर में रही है, लेकिन आज जिस तरह से बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ये जो बयानिया है इसके ऊपर बहुत दुनिया चर्चा कर रही है, ग्लोबल न्यूज़ बन चुका है। जब शेख हसीना वाजिद को हटाया जा रहा था या उनके खिलाफ हुए और वो मुल्क से चली गई, तो उसके फौरन बाद ही जो बहुत सारे जो मंदिर थे, बहुत सारे जो हिंदूज थे, उन पे जो है ना अटैक हुए टेंपल्स के ऊपर। वो मुसलमान युवा स्टूडेंट्स नेता जो हिंदू पुरुषों को जिंदा जला करके मारने के बाद उनके गुप्त अंग को चेक कर रहे थे कि कहीं गलती से मुसलमान तो नहीं मर गया। जो बांग्लादेश में हो रहा है उसमें मेरे को ये नहीं समझ आती आप इतना हैरान क्यों हो रहे हो। बांग्लादेश में वही तो हुआ है जो आपके वो कोर कमांडर के घर में हुआ है, वहां भी लोग सामान उठा उठा के लेके जा रहे थे, तो वही एक एक्शन रीप्ले हो रहा है जो बांग्लादेश में हुआ है। मूवमेंट स्टार्ट हुई एक मतलब जो कोटा सिस्टम के खिलाफ, तो उस कोटा सिस्टम का जो है वो मुतालबा भी मंजूर हो गया था, तो अब बाद में जो लोग इस चीज़ पर तबसरा कर रहे हैं, जब जिन लोगों को इन इस चीज़ पर जो तारीख पर नज़र रखने वाले लोग हैं, इन लोगों ने अभी उनको ये टेंशन है कि क्या इसके पीछे भी उन्हीं किसी हाथों का हाथ है जो पाकिस्तान में 75 साल से एक कहा जा रहा है गोरे का हाथ है। अब हिंदू जो है वो ऑलमोस्ट देयर 8% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन, 8% है जिसे वो कहते हैं ना, तकरीबन 230 लोग जो है उस दिन मारे गए थे जिस दिन शेख हसीना वाजिद ने मुल्क छोड़ा, और बहुत सारे जो हिंदू टीचर्स हैं, बहुत सारे हिंदू काउंसलर्स हैं जो पॉलिटिक्स में लोअर लेवल पे, वो सारे जो है वो अटैक हुए। ओबामा और बिडेन का पॉकेट नेता और पॉकेट पपेट जो है मोहम्मद यूनुस साहब ने आज बहुत अच्छे तरीके से अपना शपथ समारोह भी कर लिया, और युवा जितने छात्र नेता थे, वो युवा छात्र नेता जो अपनी पूर्व प्रधानमंत्री का इनर गारमेंट हवा में उड़ा रहे थे, वो युवा छात्र नेता जो हिंदू बहु बेटियों का बलात्कार कर रहे थे, वो युवा स्टूडेंट नेता जो अपने पूर्व प्रधानमंत्री के घर से सामान चोरी कर रहे थे, वो युवा स्टूडेंट नेता जो हिंदुओं की मंदिरों को तोड़ रहे थे, फोड़ रहे थे, जला रहे थे, और मुस्लिम और वो मुसलमान युवा स्टूडेंट्स नेता जो हिंदू पुरुषों को जिंदा जला करके मारने के बाद उनके गुप्त अंग को चेक कर रहे थे कि कहीं गलती से मुसलमान तो नहीं मर गया, अगर खतना किया हुआ है तो इसका मतलब है कि मुसलमान है और उनसे गलती हो गई, और अगर हिंदू है तो इट्स ऑल राइट। तो उन सब को अपने बगल में ले करके खड़ा कर करके मोहम्मद यूनुस साहब ने आज शपथ ले लिया। अब तक बांग्लादेश में माइनॉरिटीज के ऊपर जुल्म बंद नहीं किया जाएगा, तशद्दुद बंद नहीं किया जाएगा, अटैक बंद नहीं किया जाएगा, तो अगर ये कुछ ही टाइम में बंद ना हुआ तो मैं अपनी सीट छोड़ दूंगा, रिजाइन कर दूंगा। हिंदू बौद्ध ख्रिस्टान अहमदिया सबर ऊपर आक्रमण करते আমাদের কাজ হলো এটাকে রক্ষা করা, সবাইকে রক্ষা করা, এটাকে প্রতিটি মানুষকে, প্রতিটি মানুষ আমাদের ভাই। আপনাকে নি লাগতা কি ये थोड़ा ये भी एक पॉजिटिव साइन है, इसे भी थोड़ा देखना चाहिए। नेशनल न्यूज़ पर बांग्लादेश के पत्रकारों के साथ लाइव डिबेट पर बैठी, तो आपको वहां के जीरो ग्राउंड के बारे में नहीं पता होगा, पर मुझे वहां के जीरो ग्राउंड के बारे में पता है। कुछ तस्वीरें ऐसी भी आई कि जो चार पांच लोग खड़े हैं टोपी लगा करके और वो मंदिर की रक्षा कर रहे हैं, वो फेक तस्वीरें थी, और बांग्लादेश के पत्रकार ने खुद इस बात की पुष्टिकरण की है
कि ये भारत में बैठे मोदी जी और भारत के हिंदू जो बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए बहुत परेशान हो रहे हैं, फिक्रमंद हो रहे हैं, उनको उनकी आंखों में धूल झोंकने के लिए बांग्लादेश के मुसलमानों ने ये दो चार तस्वीरें लेकर के वायरल करवाया है, ठीक है? ठीक है। और बाद में आइस्कॉन के टेंपल टूट भी गई, जिसकी टूटी हुई तस्वीरें चली हैं, हमने देखा है कि कैसे जगन्नाथ जी की मूर्ति जो है, भगवान की मूर्ति टूटी हुई थी, हमने देखा है कि बेटियों का कैसे बलात्कार हो रहा है, हमने देखा है कि इनर गारमेंट्स कैसे उछाले जा रहे हैं पूर्व प्रधानमंत्री के। अब आती है बात कि ये जो अभी एंट्रीम जो वजीर आजम बने हैं मोहम्मद यूनुस, वो जो कह रहे हैं कि हम नहीं संभाल पाएंगे तो हम छोड़ देंगे। जी बिल्कुल ठीक है। एक तो ये बीच में टपक गए हैं, सबसे सबसे अच्छी महत्वपूर्ण बात जो है वो अभी समझनी पड़ेगी आपको, बांग्लादेश की शेख हसीना से क्लैश किसका था? खालिदा जिया का था। जी बिल्कुल। खालिदा जिया का बेटा नाहिद हसन से, जो पाकिस्तान का टेररिस्ट है, नाहिद हसन को बुला करके बांग्लादेश 5 साल रखा हुआ था अपने खर्चे पर। खालिदा जिया का बेटा, जो खालिदा 17 साल के लिए जेल कस्टडी में थी, और इसी भगदड़ के बीच में ना जज थे, ना वकील था, ना कोर्ट खुला था, उसका बेल भी हो गया और वो रिहा भी हो गई और वो हॉस्पिटल भी चली गई, और उसके साथ साथ 1000 क्रिमिनल, 1000 से ऊपर क्रिमिनल बांग्लादेश से रिहा हो गए, जेल के अंदर से रिहा हो गए। मतलब ना ना जज की जरूरत थी, ना वकील की जरूरत थी। तो खालिदा जिया, जिसने ये पूरे आतंक को फैलाया जमायत इस्लामी के साथ मिल करके, खालिदा जिया जो पिछले 15 साल से शेख हसीना को फूटी नजर देखना नहीं चाहती थी, खालिदा जिया जिसने रजाकारों को जमा किया वहां पर, खालिदा जिया का बेटा जो नाहिद हसन नाम के एक पाकिस्तानी टेररिस्ट से बात करता था और चाइना से फंडिंग लेता था, वो आपस में मिल, वो अपनी माँ को वजीर आजम के चेयर पर बैठाने के लिए ये सारी साजिश खेला, और जब सारी साजिश सक्सेसफुल हो गई तो क्या हो गया कि भाई अचानक से मोहम्मद यूनुस साहब आए, और क्योंकि बांग्लादेश के टेररिस्ट स्टूडेंट नेता ये जानते थे कि खालिदा जिया आज या कल, क्योंकि उनको रास पता था कि इन इन स्टूडेंट टेररिस्ट को क्यों खड़ा किया गया है, तो वो स्टूडेंट टेररिस्ट नेता कल को पॉलिटिकली बहुत बड़ा पद ना ले लें, इसलिए खालिदा जिया उनके लिए हानिकारक थी, क्योंकि वो उनके क्राइम को जानती थी, क्योंकि उन्होंने ही क्राइम करवाया था। इसीलिए वो स्टूडेंट टेररिस्ट नेताओं ने क्या किया कि खालिदा जिया को बॉयकॉट करके, साइड करके, ऊपर से वो मोहम्मद यूनुस साहब को ले आए और उसको वजीर आजम बना दिया। अभी आपको बात समझ में आई है? क्योंकि दो लोग एक दूसरे की चोरी को जान रहे थे, खालिदा जिया ठीक है स्टूडेंट टेररिस्ट को जानती थी, और स्टूडेंट टेररिस्ट खालिदा जिया को जानते थे, इसलिए दो चोर एक जगह खड़े नहीं हो सकते थे, इसलिए दोनों ने एक दूसरे को काटने की कोशिश की। ठीक है। इसका असर इंडिया पे क्या पड़ेगा, पाकिस्तान की मीडिया पे? मैं ये साथ स्क्रीनशॉट भी लगाऊंगा, मैं अपने पास से नहीं बोल रहा, मतलब पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया पे ये बताया जा रहा है, ये दिखाया जा रहा है कि जो बांग्लादेश में शेख हसीना की हार है, ये सिर्फ शेख हसीना की हार नहीं बल्कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की हार है, ये शेख हसीना परेशान नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी परेशान है, ये सब चीजें स्क्रीनशॉट में साथ लगाऊंगा जो पाकिस्तान के मेन मीडिया पे चलाया जा रहा है। मुझे बताइएगा, मैं इस चीज को नहीं समझ पाया कि इसमें लेट्स सपोज बांग्लादेश में जो सिचुएशन है, सिवाय हिंदू कम्युनिटी की टेंशन को लेके, हिंदू कम्युनिटी की परेशानी को लेके, इसके अलावा इंडिया की इकॉनमी पे कोई असर पड़ने वाला है, इंडिया की करेंसी पे कोई असर पड़ने वाला है, इंडिया की डेवलपमेंट रुक जाएगी, या क्या बांग्लादेश के साथ क्या ऐसा मतलब लिंक्ड है इंडिया के, भाई नरेंद्र मोदी परेशान होंगे? पाकिस्तान अभी वैसी ही बात कर रहा है कि हमारे भारत के इकोनॉमी पे कोई फर्क पड़ जाएगा। भाई पाकिस्तान को छोड़ करके 55 मुसलमान मुल्क भी हमारे साथ ही हैं, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ ही हैं, और बाकी तो वेस्टर्न कंट्रीज हैं ही हमारे साथ। जी, बिल्कुल। अब बात ये आती है कि पाकिस्तान में जब मुसलमान की मौत होती है या मुसलमान 72 फिरके की मौत होती है तो पाकिस्तान के नेताओं की आंखें रोती नहीं है, पर इस दुनिया के किसी भी कोने में अगर एक हिंदू की भी मौत होती है ना, या उसके बदन में खरोश भी आता है ना, तो भारत का 82.7% सनातनी रोता है, भारत के संवैधानिक मुसलमान रोते हैं, और भारत का प्रधानमंत्री सो नहीं पाता है, सो नहीं पाता है।
क्योंकि सनातन धर्म ये हमें सिखाता है कि इंसानियत सबसे बड़ी चीज है। आज ये मुसलमान बेटी अगर भारत में इतनी बड़े प्रोफाइल पर बैठी है, आज पूरी दुनिया में नाजिया इलाही खान का नाम है, तो ये भारत में ही मुमकिन था, ये पाकिस्तान में या किसी मुस्लिम देश में मुमकिन नहीं था कि एक मुसलमान बेटी का इतना बड़ा नाम और रुतबा होगा। अब बात आती है कि लड़े थे मुसलमान स्टूडेंट नेता, और किससे लड़ाई थी? कोटे की लड़ाई थी, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने उनके उस बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया था। शेख हसीना मुसलमान और स्टूडेंट भी मुसलमान, बीच में हिंदू कहां से आ गया भैया? काहे को हिंदू को काटे, काहे को मंदिरों को तोड़े, काहे को बलात्कार किए?